हेलो स्टूडेंट्स, द हिंदू एडिटोरियल के सेशन में आपका स्वागत है। सुपर सिटी एजुकेशन हब में मैं सचिन यादव आप लोग के लिए द हिंदू एडिटोरियल की सीरीज़ जो लेकर आ रहा हूँ उसमें आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले एडिटोरियल को देखते हैं। हमारे इस एडिटोरियल की हेडिंग है एट द हाई टेबल। इसके बारे में कुछ आपको ब्रीफ नॉलेज दे दूँ थोड़ा सा कि ये कंटेंट जो है आज का किस बारे में है। ये इंडिया की कंडीशन के बारे में है जो कि यूएन में, यूनाइटेड नेशंस जिसको आप जानते होंगे, जो यूनियन संघ है पूरे विश्व का, उसमें जो भारत की एक जो स्थिति है उसके बारे में आगे पूरा डिटेल में बताया गया है। उसमें यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो भारत की एक अस्थायी सीट है उस पर भारत का एक जो दावा पेश हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसमें एट द हाई टेबल मतलब ऊँचे पद पर। इंडिया मस्ट थिंक बिग, भारत को कुछ बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोचना होगा ही अनिवार्यता, एज इट टेक्स अ स्टेप टूवर्ड्स अ नॉन परमानेंट सीट ऑन द यूएनएससी। पहले मैं परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट ऑन यूएन इसके बारे में आपको बता दूँ। यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो ग्रुप है उसमें 5 P5 नेशन हैं जो कि परमानेंट नेशंस हैं, और उसके अलावा जितने लोग हैं वो सब नॉन परमानेंट है। उनकी सीट हमेशा, उनका जो एक कार्य करने की उसमें भूमिका है वो हमेशा बदलती रहती हैं। तो इसलिए अभी भारत, क्योंकि उन P5 नेशंस में नहीं, आगे मैं बताऊँ कौन कौन से नेशंस हैं, लेकिन भारत अभी नहीं है उसमें। इस वजह से जिस सीट पर भारत अपनी एक दावेदारी पेश करना चाहता है वो नॉन परमानेंट सीट है। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि इंडिया मस्ट थिंक बिग, भारत को कुछ बड़ा सोचना होगा, एज इट टेक्स अ स्टेप टूवर्ड्स अ नॉन परमानेंट सीट ऑन द यूएनएससी। क्योंकि यूएनएससी में एक अस्थायी सीट पर अपना दावा पेश करने के लिए स्टेप टूवर्ड्स वो आगे बढ़ रहा है। इस चीज़ के लिए उसे कुछ बड़ा सोचना होगा उस ओहदे को हासिल करने के लिए। हम लाइन आगे पढ़ना शुरू करते हैं। बाय विनिंग द यूनानिमस इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट मतलब समर्थन होता है, यूनानिमस मतलब एक रूप से, मतलब एक रूप समर्थन प्राप्त करने, जीतने के बाद किनका एक रूप समर्थन, ऑफ द 55 नेशंस एशिया पैसिफिक ग्रुप के जो 55 राष्ट्र थे उनका एक रूप समर्थन प्राप्त करने के बाद एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में, इंडिया हैज़ क्लियर एन इम्पॉर्टेंट हर्डल इन इट्स क्वेस्ट फॉर अ नॉन परमानेंट सीट। भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण हर्डल, एक अवरोध को पार कर लिया इन इट्स क्वेस्ट, अपनी इस खोज में, कौन सी खोज में, फॉर अ नॉन परमानेंट सीट फॉर 2021-22 की एक अस्थायी सीट की खोज में भारत ने एक बहुत बड़े हर्डल को क्रॉस कर लिया है। कौन 55 नेशंस का जो भारत को सपोर्ट मिला है उसके मद्देनजर रखते हुए। इन द नेक्स्ट स्टेप, सॉरी ऊपर था, द डिसीजन ऑफ द ग्रुपिंग दिस वीक वॉज टेकन एज इंडिया वॉज द सोल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। चूँकि इस पोस्ट के लिए भारत एक लौता कैंडिडेट नज़र आ रहा था, इस वजह से ये जो डिसीजन था ग्रुपिंग का ये इसी हफ्ते ले लिया गया। इन द नेक्स्ट स्टेप, अगले जो स्टेप में, ऑल 193 मेंबर्स ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, जो यूएन जनरल असेंबली जो यूएन की आम सभा है उसके कुल 193 मेंबर्स हैं, विल वोट, वो वोट करेंगे फॉर 5 नॉन परमानेंट सीट्स इन 2020 जून 2020 की 5 अस्थाई सीट्स के लिए, मतलब जून 2020 में 5 अस्थाई सीट्स के लिए यूएन की जो 193 मेंबर्स है वो लोग वोट करेंगे। When India will need to show the support of at least, और उस समय भारत को कम से कम 129 राष्ट्रों का समर्थन प्रदर्शित करना पड़ेगा to go through the UNSC में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसे 129 राष्ट्रों का समर्थन यहाँ पर प्रदर्शित करना ही पड़ेगा। इट विल देन ऑक्यूपाई द सीट एट द यूएनएससी फॉर अ 2 ईयर पीरियड, उसके बाद ही जो भारत है 2 वर्षों के लिए यूएनएससी की उस सीट को अपने लिए पूरी तरीके से भर पाएगा, अपने लिए सुनिश्चित कर पाएगा। एज इट हैज़ प्रीवियसली ऑन 7 ओकेजन सिंस 1950-51 के बाद से भारत ने ऐसा 7 बार किया, उसी तरीके से इस बार भी करने के लिए भारत के समर्थन प्रदर्शित करना ही होगा। देर आर सेवरल रीजन्स, यहाँ पर कई अनेक कारण हैं Why India decided to pursue its candidature for 2021-22 2021-22 के लिए अपनी उम्मीदवारी को सुनिश्चित करने के लिए, बनाए रखने के लिए भारत क्यों बनाए रखना चाह रहा है, इसके कई कारण हैं। द गवर्नमेंट एट द टाइम हैड फेल्ट, उस समय जो गवर्नमेंट थी उसने ऐसा लगा, इट वॉज नेसेसरी टू हैव इंडियाज वॉइस, कि भारत, ये बहुत जरूरी हो चुका था टू हैव इंडियाज वॉइस, जो भारत की आवाज़ है,
एट द हाई टेबल्स, वो ऊँचे पद पर है, ऊँचे ऊँचे टेबल पर जाए, मतलब ऊँचे लोगों के पास पहुँचे एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितनी अधिक बार भी मुमकिन हो सके। एंड देयर फॉर बिगेन द प्रोसेस, और उसके बाद ये प्रोसेस बिगेन शुरू हुआ फॉर अनदर सीट शॉर्टली आफ्टर, एक और सीट के लिए शॉर्टली आफ्टर, एकदम बिल्कुल बाद, किस चीज़ के बाद, इट हैड एंडेड इट्स प्रीवियस टेन्योर इन 2011-12, 2011-12 में जो अपने पिछले कार्यकाल के ख़त्म होने के बाद ये प्रोसेस तुरंत उसके बाद शुरू हो चुका। किस वजह से, कि भारत की आवाज़ जो है जितनी अधिक बार बड़े टेबल पर बड़े तख्त पर पहुंच सके, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए। बाय रोटेशन, और एक चक्र पूरा होने के बाद दैट सीट वुड हैव रीच्ड इंडिया ओनली इन 2030, जो भारत के पास ये सीट है वो 2030 तक ही वापस आ पाएगी। एंड इंडिया हैड टू रीच आउट टू अफगानिस्तान, भारत को अफगानिस्तान से इस बारे में बात करना पड़ा था, विच हैड पुट इन इट्स बिड, जिसने अपनी बोली पहले ही लगा दी थी ऑलरेडी फॉर द 21-22 स्लॉट, 2021-22 की इस जगह के लिए अपनी बोली अफगानिस्तान पहले लगा दी थी। इस वजह से भारत को अफगानिस्तान से बात करनी पड़ी टू रिक्वेस्ट इट टू विड्रॉ, किस चीज़ के लिए, उसे प्रार्थना की टू विड्रॉ, अपनी जो बोली थी उसे वापस लेने के लिए। अफगानिस्तान डिड, अफगानिस्तान ऐसा किया, सो ऐसा किया बिकॉज ऑफ द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, किस कारणवश, जो दोनों देशों के मध्य ये जो उनके जो रिश्ते मजबूत रिश्ते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान ने ऐसा किया। इंडिया हैज़ ए यूनिक रोल टू प्ले एट द यूएनएससी, भारत के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है प्ले करने के लिए यूएनएससी में। ये दिखेगा एक क्लॉज जो यहाँ से नजर आ जाए लोगों, ये बीच में एक्स्ट्रा पार्ट दिया फिर यहाँ से जुड़ गई है, तो पहले हम उसको ऐसे पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ ए यूनिक रोल टू प्ले एट द यूएनएससी, भारत के पास यूएनएससी में प्ले करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, विद द यूएस के साथ, द यूके एंड फ्रांस ऑन वन साइड, यूएस यूके और फ्रांस एक तरफ, एंड रशिया एंड चाइना ऑन द अदर साइड, और रशिया और चाइना एक तरफ, मतलब इसे ध्रुवीकरण हुआ है रशिया चाइना का एक साथ का, यूएस यूके और फ्रांस का एक साथ का। हाँ, इस चीज़ के बीच एक अपनी स्थिति को एक यूनिक रोल प्ले करना, भारत के पास एक ये यूनिक रोल मिला है भारत को, गिवन द नियर कंप्लीट पोलराइजेशन अमंग द परमानेंट मेंबर्स, और ये कैसा रोल है उनके बीच, मतलब इन चीज़ों को थोड़ा दुरुस्त करने का, जो एक पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवीकरण हो चुका है इन P5, यही P5 नेशन है, देखिए आप लोग US, UK और फ्रांस, रशिया, चाइना, ये वो मेंबर्स हैं जो कि वहाँ परमानेंट मेंबर्स यूएनके हैं, जिनके सीट्स स्थाई हैं। इनके बीच एक जो वो पक्षपात बढ़ चुका है, तीन कंट्रीज अलग हो गई हैं और दो कंट्रीज अपने अपने मुद्दों पर अलग हैं, इनके बीच मतलब अपनी स्थिति को एक स्थिति सुधारने के लिए भारत को एक यूनिक रोल मिला है। आगे देख रहे हैं, इंडियाज एबिलिटी टू वर्क विद बोथ साइड, जो भारत के एक जो कला है टू वर्क विद बोथ साइड्स, इन दोनों जो ये जो दोनों ध्रुव हैं, इन दोनों के साथ, मतलब ये जो पांचों नेशन के साथ काम करने की जो कला है इज़ वेल नोन, ये सबको अच्छी तरीके से पता है कि भारत कितना सुदृढ़ है, भारत रिश्ते कितने मजबूत हैं इन लोगों के साथ। द ईयर 2022, जो 2022 का साल है, ऑल्सो हैज़ अ सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड टू इट, 2022 के साथ एक मतलब भारतीय राष्ट्र की कुछ भावुक महत्ता भी जुड़ी हुई है, एज इट मार्क्स द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष साबित होगा। एंड अ प्लेस एट द यूएनएससी में एक जो जगह स्थान है वुड नो डाउट एड टू द प्लांट सेलिब्रेशन दैट ईयर, तो निसंदेह जो कि प्लान सेलिब्रेशन है उस 2022 में होगा भारत के लिए, वो पहले से सुनिश्चित कर दिया गया है। सिंस 2013, 2013 के बाद से, व्हेन इट फर्स्ट अनाउंस द बिड, जब पहली बार इसकी बोली लगी थी, द गवर्नमेंट हैज़ रन अ क्वाइट, जो गवर्नमेंट थी, सरकार, भारत सरकार, हैज़ रन अ क्वाइट, उसने बिल्कुल शांत एंड कस्टिश बट कंसिस्टेंट, लेकिन निरंतर मतलब अभियान एक चलाया टूवर्ड्स दिस गोल, इस उद्देश्य के लिए जो नॉन परमानेंट सीट 2021-22 के लिए भारत को चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2013 के बाद से ही अपना एक जो था कैंपेन चला दिया था कि वो सीट हम लेके रहेंगे वैश्विक स्तर पर। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट, ये बहुत ही शानदार है, डिस्पाइट द पुअर स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशन विद पाकिस्तान, जो भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्ते हैं भारत के पाकिस्तान के साथ, वो बहुत ही मतलब इसमें बहुत खस्ता हालत, बहुत बुरी स्थिति में, इसके बावजूद एंड द मेनी चैलेंजेस इंडिया हैज़ फेस्ड, और कई चुनौतियाँ इंडिया हैज़ फेस्ड, भारत ने जो फेस किए फ्रॉम चाइना एट द यूनियन में, चाइना द्वारा कई चुनौतियाँ भारत ने फेस की, इन दोनों के बावजूद भी बोथ द कंट्रीज, ये दोनों कंट्रीज जो हैं ग्रेशियसली एग्रीड, ये बहुत ही उदारतापूर्वक तैयार हो गए, सहमत हो गए टू द नॉमिनेशन, इस नॉमिनेशन को लेकर के, जो भारत का नॉमिनेशन हुआ 21-22 के लिए उसको लेकर के बहुत ही आसानी सहमत हो गए। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, इस मुद्दे से, इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट, कि सरकार के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है टू थिंक, ये विचार करने के लिए बियॉन्ड द कैंपेन फॉर द यूएनएससी के जो अभियान चला है उनसे भी आगे बढ़ करके, उनसे भी ऊंचा सोचने के लिए, एंड वर्क आउट अ कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, और एक बहुत ही
व्यापक नीति पर काम करने के लिए फॉरवर्ड इट प्लान्स टू डू विद द सीट, जिस चीज़ को इन लोगों ने भारत ने सोचा था इस सीट को पाने के बाद, मतलब इस सीट जिस कारणवश पानी थी कि बहुत बड़े मतलब पैमाने पर हम काम करेंगे, उस चीज़ को लेकर के भारत को विचार करना चाहिए जरूर से। इन द पास्ट और बीते समय में इंडिया हैज़ अर्न्ड अ रेपुटेशन, जो पिछले समय बीता है, इंडिया हैज़ अर्न्ड अ रेपुटेशन, भारत की एक जो छवि है पूरे विश्व के सामने वो क्या हो चुकी है, फॉर फेंस सेटिंग। वो फेंस सेटिंग मतलब तटस्थ रहना, महत्वपूर्ण जगहों पर जहाँ डिसीजन देना वहाँ पर अपने को अलग करना, उससे कहते हैं फेंस सेटिंग। इंडिया हैज़ अर्न्ड अ रेपुटेशन फॉर फेंस सेटिंग, भारत की एक जो फेंस सेटिंग वाली स्थिति हो चुकी है बाय एब्सटेनिंग ऑन वोट्स। वो किस वजह से हुई है, बाय एब्सटेनिंग ऑन वोट्स, भारत जो था वोट से अपनी दूरी बना लेता था व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड, जब बहुत ही जरूरी होती थी, टू टेक अ कंसिडर्ड स्टैंड ऑन अ प्रिंसिपल, जब सिद्धांतों पर अपना एक मजबूत पक्ष लेकर उतरने की जरूरत होती, उस समय भारत अपने आप को उन वोट्स से दूर कर लेता था, इसी वजह से उसको फेंस सेटिंग का एक रेपुटेशन मिल गई है। एंड द सीट और जो सीट है 2021-22 की विल बी अ चांस, ये एक मौका है टू अंडू द इमेज, इस जो छवि है वैश्विक स्तर पर छवि भारत की बन चुकी है उसको बदलने का एक मौका है। गिविन द ट्विन चैलेंजेस ऑफ राइजिंग चाइना, मतलब भारत के पास जो दो ऐसे चैलेंजेस ऑफ राइजिंग चाइना, चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव का, एंड द यूएस और जो यूएस का रिसीडिंग फ्रॉम इट्स यूएन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यूएस वो क्या कर रहा है, यूएन जो यूनाइटेड नेशंस में उसकी जो जिम्मेदारियाँ उनसे पीछे भाग रहा है, और जो चाइना निरंतर अपनी स्थिति बढ़ाता जा रहा है। ये जो दो चैलेंज इंडिया के पास, इंडिया मस्ट कंसिडर, भारत को जरूरी विचार करना चाहिए हाउ इट विल स्ट्रेंथन, कि कैसे मजबूत होंगे द मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर, जो ये विश्व का एक बहुपक्षीय, मल्टीलैटरल मतलब बहुपक्षीय वैश्विक जो क्रम है ये किस चीज़ के बीच, एमिड फ्रीक्वेंट यूनिलैटरल मूव्स, उन चीज़ के लिए जहाँ पर कई एक पक्षीय निर्णय लिए गए हैं बाय बोथ द वर्ल्ड पावर, चाइना और अमेरिका द्वारा, उस बीच में जब ये दोनों ऊपर नीचे हो रहे हैं, इनके बीच एक सामंजस्य बनाने का जो भारत के पास एक चैलेंज है, इसको भारत कैसे डील करता है ये देखने लायक चीज़ होगी। एंड इवन बिगर चैलेंज, और इससे बड़ा चैलेंज क्या है, विल बी टू नज, कि एक तरीके से पुश करना, किक करना ऑल फाइव परमानेंट मेंबर्स, इन पाँचों जो स्थायी सदस्य, इनको ऑन द वन इशू, किसी एक मुद्दे पर दे हैव यूनाइटेडली रेजिस्टेड, जिसका वो लोग पूरे तरीके से मतलब वो कर रहे हैं, मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं उससे, उस मतलब मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, एक जो ऐसा इशू है उस पर भारत इन लोगों को समझाए वो कौन सा इशू, टूवर्ड्स द रिफॉर्म एंड एक्सपेंशन ऑफ द यूएनएससी, कि एक तरीके से रिफॉर्म उसका वापस से निर्माण करना एंड एक्सपेंशन उसका विस्तार करना यूएनएससी का, जिससे कि ऐसा निर्णय जिसको P5 नेशन जो हैं सारे इसका विरोध कर रहे हैं, और ऐसा अगर हो जाएगा विच वुड इंक्लूड, तो ये चीज़ से क्या होगा, विच वुड इंक्लूड इंडिया, ये भारत का जो एक दावा है वो परमानेंट सीट, अपने स्थायी सीट करने का एट द हाई टेबल, ऊंचे स्थान पर, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इस वजह से भारत इस चीज़ को चाह रहा है और भारत को करना भी चाहिए। तो आज का भी आपका ये एडिटोरियल फिनिश हो गया बच्चों, अब आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, जो बीच में वर्ड्स मैंने आपको मीनिंग के साथ बताए हैं उन पर फोकस रहे, कहीं कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अच्छा अगर वीडियो लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बच्चों तक इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से पहुँचाइए, और हम हर अपनी अगली वीडियो में यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर सकें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।